हेलो दोस्तों, दीपास किचन चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लाए हैं एक बहुत ही शानदार चना आलू की सब्जी की रेसिपी, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में एकदम लजीज। ये देखिए इसकी ग्रेवी, कलर और टेक्सचर। तो इसका टेस्ट करने के लिए आपको एक बार जरूर ट्राई करनी पड़ेगी ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं चना आलू की सब्जी बनाना। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है काबुली चना 100 ग्राम, जिसको मैंने पूरी रात के लिए 200 ml पानी में भिगो के रखा था। तेल इसमें से मैं लूंगी 4 टेबलस्पून जितना। पानी इसमें से जरूरत के मुताबिक लेंगे। कटे हुए टमाटर 2, स्लाइस में कटा हुआ प्याज एक बड़ी साइज का, 8 से 10 काजू पानी में भिगो देने हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, एक छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आलू, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा बॉल बारीक कटा हुआ धनिया, 1 हरी मिर्ची, 1 बॉल स्लाइस में कटा हुआ कैप्सिकम, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना तेल मीडियम फ्लेम पर गरम करना है। इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद कटे हुए प्याज भी मिला देंगे और इसे भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अभी शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची मिलाकर इसे कंटिन्यूसली फ्राई करते जाना है। और लास्ट में ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर और इसे भी और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे मैं आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा हो जाने के बाद इसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और साथ में ग्राइंड करेंगे पानी में भिगोए हुए काजू भी। इसे अच्छे से ग्राइंड करने के लिए इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और सिर्फ 1 मिनट तक इसे ग्राइंड करना है। अब काबुली चना करी कुकर में बनाऊंगी, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये पेस्ट भी साथ में ऐड कर देंगे। अब इसमें मिलाएंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मेन इंग्रेडिएंट्स काबुली चना और आलू के पीसेस इसमें डाल देने हैं। अब इसका टेस्ट और बेस्ट बनाने के लिए गरम मसाला और कसूरी मेथी दोनों को मिक्स कर देंगे। और अब इसमें 250 ml जितना पानी मिला देंगे। आखिर में थोड़े से धनिया ऐड कर देंगे और थोड़े मैंने साइड में रखे हैं गार्निश करने के लिए। अभी इस करी को थोड़ा और पानी में डुबो देंगे, तो इसमें मैं थोड़ा और पानी ऐड करूंगी। कुकर का ढक्कन बंद करके 6 से 7 सीटी बजने तक हाई फ्लेम पे अब इसे पकाना है। जब 6 से 7 सीटी हो जाए तो गैस को बंद कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट तक और ऐसे ही रखेंगे, ताकि ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए।
कुकर का प्रेशर रिलीज करके ढक्कन को मैंने निकाल दिया है और ये देखिए इसकी ग्रेवी कलर और ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही शानदार बना है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। और सर्व करने से पहले मैंने इसमें थोड़े से धनिया से गार्निश कर दिया है। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।